भारत में कोरोना ने तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 11,000 से ज्यादा केस मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 20 लोगों की जान भी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण से कुल 20 लोगों की मौत हुई है। इसमें दिल्ली और राजस्थान में 3-3, छत्तीसगढ़ पंजाब में 2-2 और हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 1-1 मरीज की मौत हुई है। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। बताइए अमरीश, क्या खबर है? क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की थी, तमाम गाइडलाइन तैयार की जा रही थी। अब क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं आंकड़े तो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, और सरकार से जब हमने ये पूछा कि आंकड़े बढ़ रहे हैं क्या ये चिंता का विषय है, तो सरकार का स्पष्ट कहना, क्योंकि जब कोई पैंडेमिक एंडेमिक की तरफ बढ़ता है तो आंकड़े कई बार ये बढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन जो अनुमान केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय उसका है वो ये कह रहा है कि अगले 10 दिनों के बाद, यानी कि 2 हफ्ते बाद, ये कह सकते हैं मोटे तौर पे कि आंकड़े धीरे धीरे कम होना शुरू होंगे, यानी कि जो पैंडेमिक है वो धीरे धीरे एंडेमिक की तरफ जा रहा है, और ऐसे समय में कई बार वेरिएंट्स बदलते हैं तो कुछ इन्फेक्शन बढ़ता है, लेकिन 2 हफ्ते बाद धीरे धीरे मामले कम होना शुरू होंगे। हालांकि सरकारें अलर्ट पर है, केंद्रीय मंत्री ने जो राज्यों के साथ बैठक की थी उसमें भी राज्यों को अपनी तरफ से गाइडलाइन सेट करने की बात कही गई थी, और उन राज्यों के जहां पर की मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं या फिर मौतें ज्यादा हैं उनसे कहा गया था कि वो अपने स्तर पर समीक्षा करके कुछ गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा भी है कि हरियाणा ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क को अनिवार्य कर दिया है, पुडुचेरी ने अनिवार्य कर दिया है, इसके अलावा महाराष्ट्र भी इस पर समीक्षा कर रहा है, दिल्ली में भी परसों एक समीक्षा बैठक हुई थी, और संभव है कि स्कूलों के लिए अलग से कोरोना की गाइडलाइंस जारी की जाए। तो राज्य अपने स्तर पर जो कदम है वो उठा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच जो सबसे दो बातें जो सबसे अहम है इस पूरे उत्सव लेकर, वो ये है कि जो अभी का वेरिएंट है वो उतना घातक नहीं है, इन्फेक्शन जरूर होगा लेकिन उससे मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर बहुत कम है, हॉस्पिटलिटी की रेट बिल्कुल नहीं है, ऐसे में चिंता की बात तो नहीं है। बस ये जरूर है कि सरकार भी लगातार आपको अलर्ट कर रही है, आगाह कर रही है, और हम भी आपको लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने आप को बचा कर रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से अपने आप को बचाएं, और अगर जा रहे हैं तो जो कोरोना के अप्रोप्रिएट बिहेवियर है यानी कि जो प्रोटोकॉल है, मास्क लगाना या फिर हैंड सैनिटाइज करना, ये सब चीजें फॉलो करते रहें, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार भी अलर्ट पे है, पूरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार है, और आपको अगर आप और हम अगर तैयार होते हैं तो इस बीमारी को अपने आप को बचा सकते हैं। जी।